बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं औरंगजेब शेख आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जियास कुकिंग में वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला के रहम और करम, बरकत और शुक्र से आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की मनपसंद यप्पी चिकन नूडल्स एक नए अंदाज में, बड़े ही लजीज, बड़े ही लाजवाब। तो चले जान लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं। चले तो यप्पी चिकन नूडल्स बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है व्यूअर्स, वो कुछ इस तरीके से हैं। हमने यप्पी नूडल्स के दो पैकेट लिए हैं, इसके अलावा हमने दो अंडे लिए हैं, एक शिमला मिर्च लिए हैं छोटी साइज़ की, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है इस तरीके से। इसके अलावा एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। हमने यप्पी नूडल्स का मसाला ले लिया है दो पैकेट। हमने 100 ग्राम जो है चिकन टिक्का लिया है, जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च ली है, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक टेबलस्पून तेल लिया है, दो टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है, दो टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस लिया है, आधा टीस्पून सोया सॉस लिया है, एक चौथाई टीस्पून नमक लिया है, एक चौथाई टीस्पून विनीगर लिया है, एक टीस्पून रेड चिली सॉस लिया है। तो चलिए इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चले तो व्यूअर्स, यप्पी चिकन नूडल्स बनाने के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है। अब इसमें हम जो पानी डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, यप्पी चिकन नूडल्स बनाने के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें एक कप पानी ले लिया है। अब हम इसमें जो है व्यूअर्स हमारा टोमेटो केचप ऐड कर देते हैं। टोमेटो केचप के बाद व्यूअर्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारा मस्टर्ड सॉस के बाद व्यूअर्स हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा सोया सॉस। अब व्यूअर्स हम ऐड कर देते हैं विनीगर। अब ऐड कर देते हैं नमक। अब ऐड कर देते हैं रेड चिली सॉस। अब ऐड कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। अब ऐड कर देते हैं काली मिर्च पाउडर। अब ऐड कर देते हैं व्यूअर्स हमारा यप्पी नूडल्स मसाला। अब इन सारे मसालों को व्यूअर्स हम मिक्स कर लेते हैं। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो व्यूअर्स, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद पानी में हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी सब्जियाँ, शिमला मिर्च, कैप्सिकम और प्याज, और इन्हें उबाल आने तक हम जो है पकने देते हैं ताकि हमारी सब्जियां भी पक जाए। तो व्यूअर्स, मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें डाल दिए सब्जियां। सब्जियां डाल लेने के बाद व्यूअर्स हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा तेल। तेल डाल दिया, अब हम इसे जोश आने तक पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें हमारी नूडल्स डाल देंगे। तो इंतज़ार करते हैं 5 मिनट। व्यूअर्स, करीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो मसालों को जोश भी आ चुका है। अब हम इसमें जो है व्यूअर्स एक पिंच फूड कलर ऐड कर देते हैं। अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप ऐड कीजिए, वरना ये ऑप्शनल है। तो हम इसमें जो है रेड फूड कलर ऐड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा कलरफुल हो जाए। तो फूड कलर ऐड कर लिया हमने इसमें। तो फूड कलर ऐड कर लिया व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है हमारी नूडल्स ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स, नूडल्स डाल दी हमने। अब नूडल्स को हम जो है इन मसालों में अच्छे से कुक होने देते, पकने देते करीबन 5 मिनट। जैसे इसमें जोश आने लग जाए व्यूअर्स, उस वक्त हम जो है हमारा चिकन टिक्का जो है हमने बनाया हुआ है, 100 ग्राम करीबन हमने चिकन टिक्का लिया था, उसे क्यूब्स में काटा हुआ, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे और करीबन 5 मिनट पकने देते। तो चिकन टिक्का की रेसिपी हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे फिर किसी रोज़। तो वेट करते हैं 5 मिनट। तो व्यूअर्स, करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें जो है हमारा चिकन टिक्का ऐड कर देते हैं। चिकन टिक्का ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट हम
इन मसालों के साथ और नूडल्स के साथ पकने देते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और हमारा जो पानी है वो थोड़ा रेड्यूस हो जाए। तो 5 मिनट इसे हम पकने देते हैं धीमी आंच पर। तो व्यूअर्स, करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम जो है हमारा फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए हमारे नूडल्स काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं मसालों में और हमारा पानी भी रेड्यूस हो चुका है, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, हमने हमारी नूडल्स को जो है फ्लेम से उतार लिया है। अब हमने इस तरीके के ग्लास बॉल ले लिए हैं छोटे, जिसके अंदर हम जो है हमारे नूडल्स को निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। हमें इसे इस बाउल में सेट करना है व्यूअर्स। इसके बाद में हमारे जो अंडे हैं वो अंडों को हम जो है फ्राई करके ऊपर से नूडल्स के ऊपर डाल देंगे। तो पहले हम नूडल्स को सेट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या। तो व्यूअर्स, हमने ग्लास बाउल में हमारे नूडल्स निकाल लिए, अब हम इन्हें करीबन 5 मिनट सेट होने देते हैं। उसके बाद हम इन्हें जो है टर्न ओवर करेंगे, यानी फ्लिप कर लेंगे प्लेट के ऊपर, ताकि इस बाउल की शेप का नूडल्स जो है प्लेट में आ जाए और ऊपर से हम जो है इसे अंडे से गार्निश कर लेंगे। तो अब हम हमारे दो अंडों को फेंट लेते हैं और उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमने हमारे दो अंडे जो है उन्हें एक बाउल में ले लिया, अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। करीबन 2 पिंच के करीब हमने नमक ले लिया है, अब हम इन्हें बीट कर लेते हैं। बीट कर लेने के बाद अब हमने एक छोटा जो है पैन ले लिया है, उसमें हमने तेल डाल दिया है। अब हम जो है एक चम्मच ले लेते हैं, उस चम्मच की मदद से अंडों को है पैन में डाल देते हैं। ऐसा पकड़ के डालना, पूरा नहीं डालने का, एक चम्मच ले अंदर। तो व्यूअर्स, हमने अंडे को जो है पैन में ले लिया है, इसे हम थोड़ा राउंड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा अंडा जो है, हमने इसे पूरी तरीके से कुक नहीं करना है, हाफ डन ही करना है। तो व्यूअर्स, हमारे नूडल्स जो हैं सेट हो चुके हैं बॉल में, अब हम जो है प्लेट्स ले लेते हैं और इन नूडल्स को जो है प्लेट के ऊपर फ्लिप कर देते हैं हम। तो हम फ्लिप करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि भाई इसे हम कवर कर लेते हैं बाउल के ऊपर और उसे इस तरीके से फ्लिप कर देते हैं और इसे हम व्यूअर्स, हमने नूडल्स को जो है प्लेट में निकाल लिया है। तो व्यूअर्स, ये हमने जो हमारा अंडा है उसे हाफ डन किया था, अब हम इसे जो है हमारे नूडल्स के ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। तो यह हो गया हमारा व्यूअर्स यप्पी चिकन नूडल्स रेडी। इसी तरीके से हम बाकी दो बॉल्स को भी रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये रहे हमारे यप्पी चिकन नूडल्स बिल्कुल तैयार। आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे ये, तो ज़रूर आप इन्हें एक बार अपने घरों में ट्राई कीजिए। काफ़ी अलग तरीके की ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, तो रेसिपी अगर पसंद आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोबारा मिलते हैं नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।